Hey guys, good morning and welcome back to my channel. So, आज संडे मॉर्निंग है और बाहर बहुत ही ज़्यादा रेन हो रही है. आई थिंक पूरी रात आज रेन हुई है और मेरे पैटियो की हालत बहुत ही ख़राब है. बारिश की वजह से सारा सामान गीला हो गया है. बहुत सारा सामान हमने रात में बाहर ही छोड़ दिया था. सो यस, संडे मॉर्निंग है सुबह सुबह और मैंने बनाए हैं पनीर पराठे. एज यू कैन सी, जस्ट ब्रेकफास्ट बना है और अब हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने. और युवान भी यही पराठे खा लेगा तो मुझे उसके लिए कुछ अलग नहीं बनाना पड़ेगा. एंड जनरली अब मैंने उसको कुछ भी अलग बना कर देना बंद कर दिया है सिंस ही टर्न वन. आई प्रेफर कि जो हम लोग खाएँ वही उसे भी ऑफ़र करें एंड सो दैट मेरे लिए बाद में बहुत ईजी होगा. तो बस युवान और उसके डैडी सुबह सुबह आज बाथ ले रहे हैं. तो वो दोनों नहा कर आएंगे एंड फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे. एंड ऑल्सो आज मैंने कॉस्को से कुछ सामान ऑर्डर किया था तो मैं आज आप लोगों के साथ अपना कॉस्को हॉल भी शेयर करूँगी. कुछ क्लोथ्स ऑर्डर किए थे तो मैं आप लोगों के साथ वो सब भी विंटर क्लोथ्स हॉलीडे जो भी मैंने ऑर्डर किए थे हॉलीडे स्पेशल वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. तो बस आज के व्लॉग में बने रहे मेरे साथ और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग व्लॉग है. आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा. थैंक यू, बाय बाय. तो युवान नहा कर आ गया है, मैं उसे फटाफट लेने जा रही हूँ. यस, से गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग एवरी वन. आज वायु ने सुबह सुबह नाई नाई की है, राइट वायु? सुबह सुबह नाई नाई की है क्या? सो गाइज, यहाँ पर मैं युवान की हल्की सी मसाज कर रही हूँ ऑलिव ऑयल से. अब वो प्रॉपर मसाज नहीं कराता है तो आई विल ट्राई कि मैं उसे थोड़ा बहुत ऑयलिंग कर दूँ जिस भी तरह से वो ईजिली मुझसे करवा लेता है. सो यस, मैं कोशिश करती हूँ कि अक्सर नहाने के बाद उसकी थोड़ी सी मसाज कर दूँ. एंड यस, उसके बाद मैं उसको रेडी कर रही हूँ सो दैट कि अब ये पूरे दिन के लिए फ्री रहेगा, आराम से अपना प्ले करेगा, सो जाएगा. एंड बस इसके बाद मैं इसे कराऊंगी ब्रेकफास्ट एंड फिर बाकी का घर का डे टू डे वर्क करना स्टार्ट करेंगे. खाना खाएंगे. वायु क्या खाता है? हलवा. वायु हलवा खाता है? वायु क्या खाता है? हलवा. एंड वायु लाइक टू ईट पाई. गुड जॉब वायु. Why you like to eat? Pie. And why you? D for? Duck. And duck says? Duck says? Cuck, cuck. Khana khayenge? एंड ब्रेकफास्ट में मैंने युवान को पालक पनीर का पराठा एंड कुछ ऑरेंजेस ऑफर किए हैं एंड ये आराम से खा रहा है अभी जितना उसका मन होगा. एंड मैं उसे छोटे छोटे बाइट्स करके दे रही हूँ सो दैट कि वो इजीली खा ले. एंड आफ्टर हैविंग हाफ पराठा अब उसने खाना बिल्कुल स्टॉप कर दिया है एंड वो हम दोनों को खिला रहा है, अपने डैडी को ऑफर कर रहा है, मुझे ऑफर कर रहा है. सो गाइज, अभी हम लोग लंच वगैरह कर चुके हैं. कुछ बर्तन थे हमारे लंच के बाद एंड वायु की स्पेशली काफ़ी सारी बॉटल्स थी जिन्हें मुझे स्टरलाइज करना था तो आई थॉट टू शेयर विद यू गाइज एज वेल कि मैं डे टू डे में उसकी बॉटल्स कैसे स्टरलाइज करती हूँ. तो सबसे पहले मैं अपना सिंक क्लीन करूँगी सो दैट कि बॉटल वॉश करने के लिए मुझे ईजिली स्पेस मिले. तो ये सारे कुछ मेरे बर्तन थे जिन्हें मैं फटाफट क्लीन कर रही हूँ.
एंड अभी मैंने युआन की बॉटल से स्टरलाइज करनी स्टार्ट कर दी है बिकॉज़ युआन अभी भी बॉटल से दूध पीता है. सो मुझे एवरी डे बेसिस पे बॉटल्स को स्टरलाइज करना पड़ता है बट नॉट दैट फ्रिक्वेंटली. अभी मुझे एक दिन में एक बार ही मैं स्टरलाइज करती हूँ बॉटल्स एंड क्लीन करती हूँ सेम टाइम पे. एंड ऑल्सो आई एम यूजिंग दिस बेबी गैनिक डिश सोप फॉर क्लीनिंग ऑल बॉटल्स और जो भी युआन के यूटेंसिल्स या फिर सिपी कप होते हैं मैं सबके लिए यही सोप यूज़ करती हूँ. ये बहुत अच्छा सोप है. मैं डे वन से इसको यूज़ करती हूँ एंड ये फॉर्म टाइप का है सो ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं करता है. इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्मेल या फ्रेगनेंस नहीं है तो बेबी की यूटेंसिल क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा सोप है. एंड ऑल्सो आई एम यूजिंग दिस मंचकिन ब्रांड ब्रश फॉर क्लीनिंग हिज बॉटल एंड सिपी कप. सो यस, इसी तरह से मैं डे टू डे बेसिस पे युआन के बॉटल वगैरह स्टरलाइज करके क्लीन करती हूँ. एंड बॉटल क्लीनिंग के बाद मैं करना स्टार्ट कर रही हूँ स्टरलाइज़र को क्लीन. सो गाइज, स्टरलाइज़र क्लीन करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि बॉटल, क्योंकि इसमें अक्सर वाटर स्टेन्स रह जाते हैं तो स्टरलाइज़र भी गंदा हो जाता है. एंड आई एम डूइंग एवरी टाइम जब भी मैं बॉटल क्लीन करती हूँ तो आई ट्राई कि मैं स्टरलाइज़र भी क्लीन करूँ. एंड yes, and I'm using baby breeza sterilizer from day one. trust me guys, this is one of the best sterilizer. इसमें bottle sterilize होने के साथ साथ अच्छे से dry भी हो जाती हैं तो ये भी कोई tension नहीं रहती कि अभी you know sterilize होने के बाद आपको dry करनी है separately. ये बहुत अच्छे से dry करके निकलती हैं. and yes, अभी sterilizer को on करने के बाद मैं थोड़ा सा kitchen counter clean कर रही हूँ एंड साथ ही साथ इवनिंग का टाइम हो रहा है तो मैं बना रही हूँ चाय. हम लोग चाय पियेंगे एंड आज संडे है. आई थिंक डिनर में मैं कुछ भी बनाने वाली नहीं हूँ तो विल ट्राई टू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम आउटसाइड. एंड यस, एंड कुछ ग्रॉसरी ऑर्डर की थी तो उसके साथ साथ मैंने आप लोगों के साथ कॉस्टको हॉल भी शेयर करना है. सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू शेयर कॉस्टको हॉल. एंड ये बन रही है हमारी चाय और साथ ही साथ मैं युआन के लिए थोड़ा सा मिल्क वार्म कर रही हूँ. तो गाइस, अभी स्टरलाइज़र ऑफ हो गया है. मैंने 1 आवर के लिए लगाया था स्टरलाइज़र. सो 1 आवर में हमारी स्टरलाइज हुई है 30 मिनट एंड 30 मिनट ड्राई. सो गाइस, एज़ यू कैन सी, बिल्कुल अच्छे से ड्राई होके हमारी बॉटल्स निकली हैं एज़ यू कैन सी. एंड बस अब मैं युआन को थोड़ा सा मिल्क बना के दे रही हूँ एंड हम लोग चाय पियेंगे एंड फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से कॉस्टको हॉल में. अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना कॉस्टको ग्रॉसरी हॉल. तो मैंने आज कुछ सेम डे डिलीवरी से कॉस्टको से सामान ऑर्डर किया था और ये सारा सामान आ गया है. मैंने अच्छे से इन सबको वॉश करके अच्छे से ड्राई किया है एंड अब मैं इसे ऑर्गेनाइज करूँगी. तो बिफ़ोर ऑर्गेनाइजिंग आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं. एंड आजकल ये ऑर्गेनिक दालें भी मिलने लगी हैं कॉस्को में, आप लोग देख सकते हैं. ये दालें बहुत अच्छी हैं. मैं 2 टाइम से ये कॉस्को से ही ऑर्डर कर रही हूँ एंड ये अच्छी दालें हैं. एक दाल का ये पैकेट 7 LB का है तो अप्रॉक्स 3.18 kg, तो काफ़ी टाइम चल जाती हैं. और ये पालक कॉस्को से हम हमेशा ये पालक ऑर्डर करते हैं. ऑल्सो मैंने कुछ पनीर बटर, इस बटर को से मैं घी बनाऊंगी इसलिए मैंने अनसॉल्टेड बटर ऑर्डर किया है. एंड कोकोनट ऑयल मोस्टली युआन की मसाज के लिए यूज़ करते हैं. एंड क्रिकलैंड का ये मैंने सुना था कि ये केसर काफ़ी अच्छा होता है. मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, इस बार मैंने मंगाया है. और ऑल्सो ये पॉम का जूस ये ऑलरेडी ओपन करके हम लोग एक बार अभी पी चुके हैं. ये बहुत अच्छा होता है हमारे हमेशा ही ये एक जब भी मैं कुछ भी ऑर्डर करती हूँ कॉस्को से ये वाला एक डब्बा मैं ज़रूर मंगाती हूँ. तो ये वाला पोमोग्रेनेट जूस बहुत अच्छा है, आप लोग भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं. एंड कुछ फ्रूट्स
एंड यस, तो ये कुछ चीज़ें मैंने कॉस्को से ऑर्डर की हैं जो कॉस्को में अवेलेबल थी. अदरवाइज़ बाकी की छोटी मोटी इंडियन ग्रॉसरी हम इंडियन स्टोर से ऑर्डर करते हैं या फिर लेने जाते हैं. एंड इस बार मैंने कीनुआ भी ऑर्डर किया, मेरा लास्ट टाइम वाला ख़त्म हो गया था. मोस्ट ऑफ़ द टाइम कीनुआ की खिचड़ी या फिर कीनुआ का डोसा, उसमें मेरा कीनुआ यूज़ होता है, तो इस बार मैंने छोटा पैकेट मंगाया है. तो बस एंड गाइज, ये कुछ क्लोथ्स मैंने ऑर्डर किए थे ऑनलाइन. सो ये लेगिंग है, साइज़ स्मॉल, एंड ये काफ़ी वॉर्म है, मैंने ट्राई की है पहन के. एंड ये दो पेयर ऑफ नाइट सूट हैं, दोनों ही वॉर्म हैं, एक एक्स्ट्रा स्मॉल एंड एक स्मॉल है. एंड ये समर के लिए है, बट द ब्लू नाइट सूट वो 4 पीस का एक पेयर है. एंड दिस वन इज़ ऑल्सो अ लेगिंग, सेम डिफरेंट कलर की है. एक मैंने स्मॉल एंड एक एक्स्ट्रा स्मॉल ऑर्डर की है. कभी कभी साइज़ का डिफरेंस होता है, तो मैंने जो भी चीज़ें मुझे पसंद आई मैंने दो साइज़ में ऑर्डर की हैं. एंड अब मैं थोड़ा सा युआन के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, वो उसको प्ले करना है मेरे साथ. तो बस आप लोग भी इंजॉय करें इस ब्लॉग को. And B for bird. B for bird. B for cat. Yeah. Yes, good job. Sit here. Cat. Very good. B for good job. Cat. Yes, and O for owl. Good job. Place here. O for good job. And F for fish. Good job. Fish here. Fish. I for ice cream. Yes. Put it here. सो गाइज, डिनर में हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है एंड अब हम लोग करने जा रहे हैं डिनर. आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा. मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.